आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 59 आई है, लाइक अंडर 100 रैंक लाना इंडिया के टफेस्ट एग्जाम है, वो उतना इतना इजी नहीं है। प्लान बी आपके पास है तो आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, यू कैन फ्रीली गिव अप योर मे बी 110%। प्लान बी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे गारंटेड है कि आपको फेलियर नहीं मिलेगा। लेकिन प्लान बी अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेट पीएससी, बट वो आप ध्यान नहीं देते हैं कि वहां पे भी तो फिर अनसर्टिनिटी है ना, कि जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी, आई वुड से कि हल्का सा तो लेवल कम होता ही है, अगर आप आरबीआई में जा रहे हैं या स्टेट पीएससी में, तो जैसे जैसे लेवल कम होगा कंपटीशन हाँ बढ़ेगा, तो अनसर्टेनिटी करेक्ट, तो आपकी बढ़ते जा रही है, तो आपको ऐसा रखना है कि भाई इसमें नहीं होना चाहिए फेल। तो कब तक आप फेल करेंगे, एक लिमिट ही है ना, आपका वर्किंग एज या पीक एज पे है। आप दिमाग में एक ख्याल आया कि आई नो द फाउंडर्स ऑफ क्रैकिंग प्रोडक्ट, सो आई रीच देम सो दैट आई कैन हैव ए प्लान बी विच इज गिव विच विल गिव मी 100% सक्सेस, नॉट लाइक स्टेट पीएससीज और एनी अदर लाइक आरबीआई ईपीएफओ। वेलकम बैक टू क्रैकिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने काफी स्टोरी सुनी होगी, जो लोग यूपीएससी में फेल हो जाते हैं वो डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग कैट का एग्जाम निकाल के एमबीए कर लेते हैं, और कुछ लोग स्टेट पीएससी की तैयारी करते रहते हैं, सक्सेसफुल होते हैं या फेल हो जाते हैं। आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर किया है। इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि उन्होंने पहले यूपीएससी की तैयारी की काफी साल, फिर उन्होंने टर्न लिया, एनालिटिक्स की तैयारी करी, एंड फिर यूपीएससी की तैयारी करने गए एंड फिर ये रैंक अचीव किया है। तो थैंक यू सो मच प्रियम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आप बताइए कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन एज अ गेस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आईएफएस क्या होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सबसे पहले आप जान लें कि इनका प्रीलिम्स सेम होता है, जो आईएएस का प्रीलिम्स आप देते हैं उनसे सेम होता है, बट एक डिफरेंस है। पहली बात कि आपको कट ऑफ से ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स और 17 मार्क्स आपको ऊपर रखना होगा, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। दैट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप फॉर आईएफएस। 20 नंबर ज्यादा लाना बहुत बड़ी बात है यूपीएससी के देन यू लिए। हैव टू आपका फिर मेंस अलग होगा, देर इज टू ऑप्शनल, एंड देन इंटरव्यू, दैट इज ऑन सिमिलर लाइन्स, स्लाइट चेंजेस बट ऑन सिमिलर लाइन्स लाइक आईएएस। उसके बाद ओके जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी भी ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट होगी, लवासना, दैट इज अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरी एस्पिरेंट। उसके बाद जब आपकी फाउंडेशन हो जाती है तो जैसे सारे सर्विसेज अपनी अकेडमी में चले जाते हैं, तो आपकी भी अकेडमी वहाँ देहरादून में है, वहां पे आप जाते हैं। देन अराउंड 2 ईयर्स एज ए आप प्रोबेशनर रहते हैं, एंड देन यू ज्वाइन एज द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एंड ग्रेजुअली यू बिकम डीएफओ। दैट इज द मेन लिंच पिन ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आई वुड से हिंदी जंगल का डीएम। सो नाउ फॉरेस्ट या यू आर द मेन, यू हैव टू डू एवरीथिंग वॉट इज इन द फॉरेस्ट इको सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द होल रीजन, ट्राइबल लिवलीहुड, वेटलैंड्स, एवरी फॉरेस्ट इको सिस्टम, नेशनल पार्क। ओके, देन इट इज ऑल्सो एन ऑल इंडिया सर्विस लाइक आईएएस आईपीएस। आई मस्ट टेल दैट देर आर सर्विसेज लाइक आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस, दीज आर सेंट्रल सर्विसेज, यू विल ऑलवेज बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आईएफएस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन। Sometimes if you are very good career profile, then you can be also an international deputation, maybe IUCN, UNEP, as a representative of India. थैंक यू सो मच प्रियम फॉर द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। प्रियम, आपकी स्टोरी में सबसे जो खास बात मेरे को लगी, जिसकी वजह से मैंने आपको रीच आउट भी किया, कि आपने काफी साल यूपीएससी की तैयारी किया, फिर आपने एनालिटिक्स की तैयारी की, फिर आपका सडनली ये रैंक आता है यूपीएससी। ये जर्नी बताइए, ये काफी मेरे को डिफरेंट स्टोरी लग रही है आपकी। एक बार आप बता सकते हैं इस जर्नी के बारे में कि कैसे आपने बीच में प्लान भी बनाया और फिर ऑल ओवर इंडिया आपका रैंक आता है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं 5वीं अटेम्प्ट दे रहा था आईएएस की, तो मैं मेंस में बहुत कम मार्जिन से फेल हो गया था। तो उस अच्छा टाइम मैं काफी इनसिक्योर हो गया था, जैसे कि बहुत एस्पिरेंट्स हो जाते हैं कि अब लास्ट अटेम्प्ट है, क्या करें। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आई नो द फाउंडर्स ऑफ क्रैकिंग प्रोडक्ट, सो आई रीच देम सो दैट आई कैन हैव ए प्लान बी विच इज गिव विच विल गिव मी 100% सक्सेस, नॉट लाइक स्टेट पीएससी और एनी अदर लाइक आरबीआई ईपीएफओ, बिकॉज अगेन देयर इज अनसर्टिनिटी।
I want such a plan B that there is at least a guarantee that I will get a job, because most of us, around 95 to 97%, will be coming from the middle class families. So you can't indefinitely go for preparation without any financial backup of your own. You have to, at some time, you have to think something of your own. So then I thought, developed some data skill sets, but mere dimag mein fir bhi kahin na kahin tha ki ek chance hai. कल को मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मतलब फुल अपना 100% नहीं दिया, आई हैव गिवन माय बेस्ट, बट स्टिल देयर इज अ वे टू गो. एंड लकीली उसके बाद उस बार मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में निकला फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो आई सॉ इट एज अपॉर्चुनिटीज. मुझे चलो 6th अटेम्प्ट में अगर दोनों मेंस है देन इट इज मोर बेटर. एंड देन अगेन थिंग्स हैपेंड. तो आपने यूपीएससी की तैयारी जब 5th अटेम्प्ट कर लिया था, फिर आपने एनलिटिक्स की तैयारी कर ली थी, बट आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया था एनलिटिक्स का. आपने क्या 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 किया था आपने? जब मैंने अपना 6th अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने अपनी डेटा स्किल सेट्स जो मुझे क्रैकिंग प्रोडक्ट से मिला था उसकी मैंने तैयारी कर रखी थी कि इनकेस कोई भी स्टेज पे अगर मैं फेल करता हूँ, हो सकता है प्री में, मेंस में या इंटरव्यू स्टेज पे, तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि मैं कभी भी वहां जाके ज्वाइन कर सकता हूँ. ऐसे मैं जानता हूँ एक दो लोग को जिन्होंने किया है, आई नो देम पर्सनली. अच्छा. कि दे हैव जॉइंड सम डेटा एनालिटिक्स फर्म विद अ डिसेंट पैकेज, या बट दैट इज नीडेड फॉर एनीबॉडी. सो इवन जब हो गया, इंटरव्यूज हो गए दोनों ही, IFS के IAS के रिजल्ट्स आने तक भी मैं ऐसे रिवाइज कर ही रहा था कि इनकेस अगर कुछ भी होता है देन कोई टेंशन है ही नहीं, मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, आई विल जस्ट ज्वाइन बिकॉज आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड फ्यू थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड, जस्ट नीड टू मूव ऑन. गॉट इट. तो प्रियम, ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द रीजन फॉर योर सक्सेस इन लास्ट अटेम्प्ट वाज बिकॉज यू हैड योर प्लान बी रेडी, लाइक जो आपने पिछले अटेम्प्ट में नहीं किया था शायद. यस, आई वुड से दैट प्लान बी होना ही चाहिए. अगर प्लान बी आपके पास है तो आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, यू कैन फ्रीली गिव अप योर मे बी 110%. जब आपके पास कोई डर ही नहीं है कि यार मेरा क्या होगा, दैट इज द लास्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा यही दिक्कत होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या तो होगा. क्या होगा. करेक्ट. तो क्या होगा, जब प्लान बी है तो कुछ सोचना ही नहीं है कि ठीक है हमने अपना काम कर दिया है. हाँ, जस्ट बिलीव, वी बिलीव इन निष्काम कर्मा. सही बात है. वी हैव डन आवर वर्क, लेट्स द अदर साइड डू देयर जॉब. करेक्ट. प्रियम, जैसे आपने अपना प्लान भी बनाया डेटा एनालिटिक्स को, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस पे क्या व्यू, एक ओपन व्यू चाहिए मेरे को आपका, कि प्लान बी किस टाइप का होना चाहिए. क्या प्लान बी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होना चाहिए, प्लान बी आपका कुछ एनालिटिक्स का कोर्स हो गया या MBA हो गया, आपको क्या लगता है किस टाइप की प्लान बी होना चाहिए? बिकॉज यू हैव फेल्ड इन UPSC फॉर सो मेनी ईयर्स एंड देन आपका लास्ट अटेम्प्ट में UPSC निकलता है एंड देन यू ऑल्सो वर्क ऑन योर प्लान बी वेरी लेटली इन योर करियर, तो इस पे आपका क्या व्यू है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान बी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे गारंटेड है कि आपको फेलियर नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं, आई कम फ्रॉम ए बीटेक बैकग्राउंड एंड आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. अच्छा. तो मैं उधर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं डेटा एनालिटिक्स का कर ही रहा था तैयारी, तो मेरे पास एक वो भी ऑप्शन था. लेकिन अगर मान ले कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा है, लॉ का, देन आर्ट्स वाले अगर मास्टर डिग्री ले ले तो दे कैन ज्वाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर. लॉ वाले मास कम्युनिकेशन ऐसे भी वेरी सिमिलर है कि कोर्सेज में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज. लेकिन प्लान भी अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेट PSC या क्योंकि रिलेटेड होता है ना, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट PSC करंट अफेयर सेम है, सब लोग वो तैयारी करने बैठ जाते हैं, बट वो आप ध्यान नहीं देते हैं कि वहां पे भी तो फिर अनसर्टेनिटी है ना, कि जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी, आई वुड से कि हल्का सा तो लेवल कम होता ही है, अगर आप RBI में जा रहे हैं या स्टेट PSC में, तो जैसे जैसे लेवल कम होगा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो अनसर्टेनिटी तो आपकी बढ़ते जा रही है. तो आपको ऐसा रखना है कि भाई इसमें नहीं होना चाहिए फेल, तो कब तक आप फेल करेंगे, एक लिमिट ही है ना, आपका वर्किंग एज या पीक एज पे है, आप पीक प्रोडक्टिव एज पे, तो आपको फुली यूटिलाइज करना है उस. सही बात है. गॉट इट. तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं, जस्ट मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि प्लान बी शुड बी जहां पे 100% सक्सेस की गारंटी हो. ऐसा नहीं होना कि आप एक लूप में फंस जाएं, UPSC कर रहे हैं आप लगे, फिर EPFO दे लूं, स्टेट PSC दे लूं, तो फिर क्या होता है, यही लोग होते हैं जिनको काफी जो 7 साल 8 साल तैयारी करते रह जाते हैं और फिर उनको ऐसा फील होता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने करियर में, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स तो लिमिटेड है ना. गलती
मैं भी बोलता हूँ कि मैंने गलती की है कि मैं प्लान भी स्टार्टिंग में नहीं रखा था, क्योंकि आप होते हैं कॉन्फिडेंट जब आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप अगर इंटरव्यू तक चले गए हैं अपने हाँ इनिशियल स्टेजेस में, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार कर लूंगा इस बार, तो कर लूंगा इस बार, कर लूंगा। बट वो समटाइम्स नहीं होता है, हो जाता है कुछ लोगों का, करेक्ट, सबका नहीं होता है। तो हाँ आपको एक वर्स्ट केस प्रिपेयर, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये आपको लेके चलना होगा मंत्रा। तो ये आपको भी लगता है कि आपने प्लान भी लेट बनाया, आपको पहले बनाना चाहिए था? यस, आई वुड 100% एग्री दैट प्लान भी मुझे पहले ही रखना चाहिए था। ये मैं अपने फ्रेंड सर्कल जो हम लोग साथ तैयारी करते थे उनसे भी बात करता था कि यार वी हैव, हम थोड़ा लेट हो गए हैं प्लान बी में, बिकॉज अच्छा हमारे पीयर ग्रुप जो हैं थोड़े आगे निकल गए इसमें, कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया या ज्वाइन समवेयर एंड देन दे आर मूविंग ऑन, दे आर डूइंग देयर थिंग्स। करेक्ट प्रियम, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एक स्टोरी बताइए फिर से, क्योंकि आपने अभी पार्ट्स एंड पीसेस में बताया कि आपकी क्या स्टोरी रही, आपने अटेम्प्ट दिया है, इंटरव्यू दिया है, जॉब किया, तो एक बार आप बताइए कि कॉलेज से लेके अभी तक अभी क्या जर्नी रही पूरा, अगर आप बता सकें ये यार ब्रेकडाउन की अटेम्प्ट दिया, किस में प्रीलिम्स नहीं निकला, किस में मेंस नहीं निकला, पूरे एक बार वो आप जर्नी बता सके तो। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में, बीटेक पास किया AITBHU केमिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया पानीपत में, बट ओके ये दिमाग में था कि तैयारी करनी है, तो हमने जॉब ज्वाइन करते ही स्टार्ट कर दिया था तैयारी। तो पहले 2 साल में वहाँ था, वहाँ 2 अटेम्प्ट दे दिए, प्रीलिम्स नहीं निकल पाया मेरा, बहुत दूर दूर तक नहीं निकला। तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ मेरे से हो नहीं पा रहा है, देन मैंने रिजाइन कर दिया। और तीसरे अटेम्प्ट में राजेंद्र नगर आ गया था, वहाँ मैंने तैयारी की, टेस्ट सीरीज किए और कुछ ऑप्शनल की क्लासेस ये सब किया, और तीसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, बट फाइनल लिस्ट में नहीं आया। 2019 में, 2019 में 2019 CSE 2019, ओके देन अगले अटेम्प्ट में मुझे आई वुड से कि शॉक लगा मेरा, फिर प्रीलिम्स में ही फेल हो गया मैं CSE 2020 2020 में फोर्थ अटेम्प्ट में। देन ओके फिर मैंने थोड़ा और प्रिपेयर किया, मेंस को अपना स्ट्रेटजी चेंज की कि और अगली बार निकलूँ तो फाइनल लिस्ट में आ जाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5th अटेम्प्ट में फिर मेंस फेल किया, जैसे मैंने आपको बात किया। 6th अटेम्प्ट में मैंने फिर इंटरव्यू तक गया बट फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। बट उस टाइम था कि मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का भी इंटरव्यू दे रखा था, तो फाइनली मुझे वहां पे सक्सेस मिला विद द ग्रेस ऑफ गॉड, पेरेंट्स एंड माई वेल विशर्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी। ग्रेट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट प्रिया। एंड आई बिलीव, लाइक मेरे को लगता है ऐसे कि आपने जो इतने साल मेहनत किया उसका भी एक रीजन रहा होगा, बट आपको जो 6 अटेम्प्ट तक आते आते कैंडिडेट्स के पास क्या होता है, माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है, एक एंग्जाइटी होने लगती है कि यार वो क्वेश्चन सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑलरेडी था, क्योंकि आपने 5th अटेम्प्ट में थोड़ा लेट किया, बट आपके पास 5th अटेम्प्ट के बाद वो एक आंसर था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, और ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, दिस इज कैन बी अचीव विद योर हार्ड वर्क, दिस यू कैन यू नो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आप उनके साथ तैयारी कर सकते हो, गाइडेंस के लिए बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल है, राइट, तो आपने वो रीच आउट करके इजिली कर सकते हो, राइट। या प्रेम, आपने जैसा बताया कि आपने 7 साल तैयारी करी है, 2 साल जॉब के साथ और 5 साल विदाउट जॉब, तो आपकी जर्नी में आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स नहीं निकले जो हुआ आपके साथ, आपका मेंस नहीं निकला, आपका इंटरव्यू नहीं निकला एक स्टेज पे, तो ये इतनी बड़ी जर्नी होती है, 7 साल देना किसी एग्जाम को, मतलब इट्स नॉट अ जोक, मतलब काफी, मतलब उससे काफी अटैचमेंट हो जाता है एक एग्जाम से, नहीं निकल रहा है, टेंशन होती होगी, डिप्रेशन होता होगा, आपको लगता होगा घर वालों का प्रेशर आता होगा, रिलेटिव का प्रेशर होता होगा, मतलब सोसाइटी का एक प्रेशर है, खुद को भी एक प्रेशर फील होता है, क्योंकि जब आप जॉब नहीं कर रहे होते तो आपको लगने लगता है कि आपके पीयर्स पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो, तो इन सब से आपने कैसे कोप अप किया? मेंटल हेल्थ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि कैसे कोप अप किया आपने मेंटल हेल्थ से, और आपका क्या व्यू है इस पर कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे कई बार जब आपका नहीं होता है तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, तो कभी कभी फैमिली प्रेशर भी होगा, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं अच्छी है तो। बट मैं ये बोलूंगा कि आपको पॉजिटिव रहने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहली बात जो मेरे से गलती हुई थी, मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अगर आप प्लान बी रखते हैं जहाँ पे हाँ आपको फुल सर्टेनिटी है, तो ये तो वो है कि आपको कोई डर नहीं है, ये डर से ही आपका वो पैदा होता है एंजाइटी, स्ट्रेस कि क्या होगा। दूसरी बात कि जब भी आपको एंजाइटी लगे, स्ट्रेस लगे, तो आपके कुछ होंगे ऐसे फ्रेंड्स होंगे या इवन जो आप वेल विशर्स होंगे, उनसे आप बात करेंगे तो आपको बूस्टअप करेंगे काफी। जैसे कि 5th अटेम्प्ट के बाद
मुझे याद है कि जब मैं एकदम मेंस फेल हो गया था, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था। मैं अच्छा काफी ऐसे हताश हो गया था कि मैं छोड़ दूंगा, अब मेरा पीक मार चुका हूँ, मेरे से नहीं होने वाला है। बट एक दो लोग थे जो बोले कि यार ये तुम्हारा पीक नहीं है, अभी पीक आया ही नहीं है, ये अभी तुम्हारा ऐसे अप डाउन हो रहा है जैसे कि रोलर कोस्टर राइड है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी एक चीज बहुत बड़ा लाइफ लेसन देना चाहता हूँ जो मुझे मिला है। यूपीएससी जाने के पहले मुझे ऐसे मेजर फेलियर्स नहीं मिले लाइफ में। हाँ मैंने आराम से इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किया, आईआईटी हो, गेट हो, इवन जॉब्स हो, बट यहाँ पे ये फेलियर मिला है। मैं ऐसे फेलियर को देखता हूँ कि ऐसे, मेरा कहना है कि द अर्ली यू फेल द बेटर यू इवॉल्व। एक बार आप अगर आप फेलियर झेलना सीख गया ना, कि आप फेल करके फिर उठ रहे हैं, फिर फेल कर रहे हैं, आप पक्का यू आर गोइंग टू बी 100% सक्सेसफुल इन योर लाइफ। कि आपने आप डर ही नहीं ना फेलियर से, आपको पता है यू आर लर्निंग समथिंग, हर बार आप कुछ सीख रहे हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, वो गलती कर रहा हूँ, तो डरने का है ही नहीं। जब भी आपको फेल हो, आप कुछ पॉजिटिव देखना है, इससे क्या सीख रहा हूँ, प्लान बी रखना है अपने, मतलब जो लोग से आपको अच्छा लगता है बात करने में, जो बूस्टअप करेंगे, डोंट बी इन दैट कंपनी की डिमोटिवेट कर रहे हैं या छोड़ दे यार इस टाइप की, नहीं कि यार तेरा तो हो ही जाएगा, ऐसे कंपनी में नहीं रहना है। फील मोटिवेटेड, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। ये एग्जाम मतलब आपको मेंटली फिजिकली सब यो ड्रेन करेगा आपकी एनर्जी को, सब कुछ टेस्ट, सबका टेस्ट होता है। सबके इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि आपने रिसोर्सेज दिया है, टाइम दिया है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आप अगर स्टेज बाय स्टेज आप क्लियर करते जा रहे हैं, तो आपको लगता है यार मैं कर दूंगा, वो रहना चाहिए आपके अंदर। करेक्ट करेक्ट प्रियम, अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएससी 2023 का प्रीलिम्स हुआ है, काफी टफ है, सुना है अभी तक का सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स हुआ है। आपने क्या वो प्रीलिम्स दिया था, और आपका क्या व्यू है कि ऐसे इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है यूपीएससी की? सबको पता है एवरी ईयर एंड ईयर कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है और क्या कर सकते हैं ताकि अगेन वो एंग्जाइटी ना हो, अगेन यू यू कैन गिव योर 100%? मेरे को लगता है कि यार जब आपके पास एक प्लान भी होता है तो आप अपना 100% डेफिनेटली दे पाते हैं। काफी लोग तो 100% इसलिए नहीं दे पाते कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्योंकि वो डरे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फेल हो गए तो क्या होगा। लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस प्रीलिम्स जो एग्जाम हो रहा है अभी यूपीएससी का, टफ? तो सबसे पहले तो आपको मैंने कई बार बताया हूँ कि आप प्लान बी रेडी रखें। दूसरी बात, मैं ये बताऊंगा आपको, एक की पॉइंट है कि प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेनिटी होते जा रहा है, मे बी वो जीएस पेपर हो या सीसेट हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी आप अटेम्प्ट देने का, यू आर एस्पायरिंग फॉर एन अटेम्प्ट, आप पूरा रेडी रखो अपना, कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मेरा ऑप्शनल तैयार होना चाहिए, मेरा जीएस आंसर राइटिंग एटलीस्ट कुछ कर रखा हूं मैं, कि आप जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करो, आप मेंस क्लियर करो, आप इंटरव्यू दो। ये नहीं कि आप प्री क्लियर हो गया फिर मेंस में आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, अगेन नेक्स्ट टाइम का कोई नहीं जानता है प्रीलिम्स होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि पास अगर प्री आप फेल कर गए हो इस बार, तो आप अभी से प्री के लिए मत करो, अभी आपके पास टाइम है, आप मेंस तैयारी करो, ऑप्शनल करो, एथिक्स करो, जीएस करो, और अगले साल जब आपको पता है कि प्रीलिम्स में आप 1 साल दो या 2 महीने दो, बात बराबर हो चुका है, तो आप ऐसी जगह टाइम दो जहां पे आपका ज्यादा चांस है कि वो ज्यादा पे ऑफ करेगा मेंस। एक बार आपका प्रीलिम्स निकल जाए, आपको उस बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचना है, ये टारगेट होना चाहिए। फाइनलिस्ट वो बात की चीज है, वो आपके हाथ में नहीं है, वेरी सब्जेक्टिव है, बट वो बात की चीज है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और इस बार का जो प्रीलिम्स है मैंने दिया था, लकली मैंने फिर से क्लियर किया हूँ फॉरेस्ट में, बट मैं आपको बताऊंगा कि सीसेट इज वेरी टफ, तो आपको सीसेट को भी वेरी सीरियसली लेना होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश बना के कर लूंगा, नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं मैथ्स बना के कर लूंगा, नहीं होगा। दोनों बनाना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबका प्रैक्टिस करना होगा, एंड जीएस तो आप करते ही हैं। तो मेरा ये स्ट्रेटजी है। थैंक्स प्रियम फॉर दिस एडवाइस। प्रियम, जनरली यूपीएससी क्लियर करते हैं लोग तो एक बहुत ग्लोरिफाइड एग्जाम है इंडिया में, लाइक इंडिया का तो टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। तो आपने क्या चेंजेस देखे आपकी लाइफ में कि पहले जब आपका फेल हो रहे थे तो सोसाइटीज का जो व्यू था आपके ऊपर, और जब आपका हो गया तो आपने कुछ चेंजेस देखे कि क्या हुआ आपकी लाइफ में? इज देयर अ मेजर टर्न अराउंड इन योर लाइफ कि पीपल कैसे देख रहे हैं आपको? देखिए मतलब चेंजेस आते हैं काफी, जैसे कि आप जब यूपीएससी जर्नी में होते हैं तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपके सोशल कांटेक्ट खत्म है, हाँ लोग मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप एकाएक क्लियर करते हैं तो सारे कांटेक्ट
क्या बोले, रीइग्नाइट हो जाते हैं। लोग आ रहे हैं आपके पास, बोल रहे हैं ये लड़का तो पता था निकाल ही लेगा, क्योंकि यूपीएससी सक्सेस को ऐसा हमारे सोसाइटी में देखा जाता है बहुत, और रिस्पेक्ट कि यार ये बंदा तो काफी मेहनती है या इंटेलिजेंट है, जो भी आप कहें। तो करेक्ट, लोग आएंगे, मतलब लोग आते रहेंगे, आपसे आपका जर्नी सुनेंगे या बातें करेंगे, और भी तो ऐसे ही होंगे चीजें, आपको लोग इनवाइट करेंगे या कि आप इधर आ जाओ, वी कैन, मतलब यहाँ समारोह होगा, जो भी बहुत चीजें होती हैं सोसाइटी में कि लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर, समारोह, ये सब होते रहेगा, तो ऐसे आते हैं इनविटेशंस सबको। प्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने बोली कि आपकी, क्योंकि आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 59 आई है, लाइक अंडर 100 रैंक लाना इंडिया के टफेस्ट एग्जाम है, वो उतना इतना इजी नहीं है। इजी क्या बोलूँ कि बहुत ही टफ है, हार्डवर्क लगता है, 7 साल का पेशेंस लगा आपके पास, और आपने ये जो चीजें बोली है इंटरव्यू में कि प्लान भी रखना चाहिए, और इतना ग्लोरीफाइड ये एग्जाम होता है कि लोग इसमें बस टॉपर्स की वीडियोज देखते रहते हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है वो यूट्यूब पे वीडियोज देखते हैं कि यार इसने एग्जाम निकाल दिया, शॉर्ट्स देख लिया, हाईलाइट हो गया, लोग तैयारी करने बैठ जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि दे आर मेड फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। सेकेंड कि उनका कुछ पता ही नहीं है कि अगर एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या करना है भाई। ये ग्लोरिफिकेशन आपको लगता है काफी ज्यादा ग्लोरिफाइड है यूपीएससी, एंड इसकी वजह से भी यूथ को काफी दिक्कत हो रही है, बिकॉज सरकार ने अगर 6 अटेम्प्ट रखे थे को सोच के रखे, लेकिन नहीं निकलता है 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में तो लोगों का। मैं आपको बोलूंगा, ये मतलब हम लोग क्या, ऐसे सोसाइटी है जहाँ पे यूपीएससी के जॉब को ऐसा रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि थोड़ा ग्लोरीफाइड है। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया के कारण जो आज चेंज आया है, कि आज इतने भी यूट्यूब चैनल्स हैं और लोग अपने अपने फंडे दिए जा रहे हैं टॉपर्स, कि हाँ मैंने तो इतना ही किया था, मैंने तो इतना ही किया था, तो उसके हाँ देख के कुछ लोग ऐसे परसुएड हो जाते हैं कि हम भी निकाल लेंगे, हाँ इतनी ही इजी तैयारी लगने लगता करते है, हैं, इजी लगता है कि यार इसलिए इसने लगता मतलब है। इतनी सिमिलर बैकग्राउंड है, बट इजी वो आपको लगता है। अपना पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग किसी को, बट मैं ये ओके बोल रहा हूँ कि आपको अपना पता होना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या मैं डेडिकेट हो सकता हूँ, कट ऑफ हो सकता हूँ, मुझे लगना पड़ेगा इस एग्जाम में उतना मेरे में है, मतलब कैपेबिलिटी है कि मैं कट ऑफ होके लग जाऊंगा, डेडिकेटेड सब छोड़ दूंगा, मतलब पूरे अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, और टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, यानी कि 1-2 साल है। कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 3-4 साल, 5 साल का गेम तो है ये, उतना आपको लगे रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने कॉलेज में उतना इन्वेस्ट कर दिया हो 3-4 साल, तब आप आके निकाल लेंगे 1-2 अटेम्प्ट में, बट आपने अगर उतना सीरियसली नहीं तैयारी किया है पहले, तो आपको लगेंगे यहाँ पे सिलेबस काफी बड़ा है, इवन प्रीलिम्स में आप जान रहे हैं कितना डाइवर्स हो गया है, प्रीलिम्स निकालना इज अ गेम, तो करेक्ट आप करेक्ट, ऐसे परसुएड हो तो जब आपको लगे कि मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कि लोग बोल रहे हैं तो बस देखा कि यार यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, वहां हो रही है, ये सब देख के मैं भी बनूंगा, डोंट बी ये लाइक बात मैं दैट। जाऊंगा, लवासा ड्रीम होता है लोगों का। करेक्ट हाँ, ड्रीम होना चाहिए बट वो रियलिस्टिक होना चाहिए, दैट यू करेक्ट, कैन अचीव। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली प्रिया। मतलब तो दोस्तों आप सुन रहे हो ना, ये ऑल इंडिया रैंक टॉपर 59 रैंक जिसकी आई है, वो ये बोल रहा है कि दूसरों के वीडियो देखे इतना कन्विंस मत हो, इतना इजी नहीं है ये एग्जाम, मतलब आपको प्लान भी रेडी रखना है। इवन मैं तो बोलूंगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही रखना चाहिए, एंड आपको भरोसा होना चाहिए कि ये एग्जाम 1 साल 2 साल बहुत ही लिमिटेड लोगों का होता है, आई वुड से 0.01% लोगों का होता है, 99.99% लोगों को 6 साल 7 साल लग जाते हैं, जैसे प्रियम ने बताया कि उनको 7 साल लग गए, फिर वो टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकलना नॉट इजी फॉर एवरीवन, राइट। और मैं तो चाहता हूँ कि रियलिस्टिक बोले टॉपर्स, एंड आई वांट कि मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ये समझे कि ग्लोरिफिकेशन तो एक साइड है यूपीएससी का, लेकिन उसके जो नेगेटिव सेटबैक्स हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है, जो टॉपर्स बहुत कम बताते हैं। तो जैसे प्रियम ने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट बात बोली है प्रियम ने, एंड प्रियम थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, काफी मजा आया मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, स्पेशली बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू अ यूपीएससी बैकग्राउंड, एंड मेरा नहीं हो पाया था, एंड आई फील सेटिस्फाइड नाउ बिकॉज मैं उतना ज्यादा अटैच नहीं हुआ, मैंने तैयारी की, मेरा नहीं हुआ, एंड आई दैट फेल्ट कि आई कैन नॉट ग्राइंड फॉर 6 7 ईयर, आई शुड फॉल बैक ऑन माई प्लान बी एंड देन मूव अहेड विथ माई करियर इन एनालिटिक्स। एंड थैंक्स मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई जर्नी, माई स्ट्रेटजी, एंड यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कंटिन्यू दैट, यू कैन बी गेम चेंजर फॉर मेनी एस्पिरेंट्स हु आर मे बी समटाइम्स स्ट्रेस्ड, दे आर इन एंजाइटी, और यू कैन गिव दम ए न्यू लाइट एट द एंड ऑफ द टनल।
You can be, you guys can be like that. थैंक्स I wish you all the best in your endeavors. दोस्तों, जिस भी लोगों ने ये वीडियो देखा है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि उनको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा इस वीडियो में. तब तक के लिए बाय.